हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक शिक्षक। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। काफ़ी सारे जो बिगिनर्स है जिन्हें ऑप्शंस से काफ़ी लगाव रहता है, उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिक आई ओपनर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑप्शंस में ट्रेड करना क्या सच में सेफ है। सो सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे बायो में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए क्या ऐसी जानकारी है जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए कि ऑप्शंस में ट्रेड करना क्या सच में सेफ है। क्योंकि काफ़ी सारे जो बिगिनर्स है जिनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि जिनका कैपिटल वाइप आउट हो चुका है स्टार्टिंग में, और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते, डीमोरलाइज हो जाते, ट्रेडिंग से वो दूर चले जाते। उसका रीज़न यही है कि ऑप्शंस में ट्रेड करने की वजह से उनका कैपिटल लूज़ हो जाता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो कैसे, क्या पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं। सो पांच पॉइंट हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, डार्क सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग में। सो पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है लेवरेज। सो लेवरेज की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ा, यहाँ पे जिसको लोग समझते हैं एडवांटेज, लेकिन मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है लेवरेज। क्योंकि कम पैसे में आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, जितना प्रॉफिट है उतना लॉस भी हो सकता है। अगर आप लोग कोई भी एक ऑप्शन जिसका प्रीमियम चल रहा है सपोज 30 रुपीज़ बाय करते हैं और जिसके लॉट साइज है 500, तो आप ये बाय कर सकते हैं सिर्फ 15,000 में विदाउट एनी मार्जिन। मार्जिन के साथ जो अलग अलग ब्रोकर है वो अलग अलग रेट्स में भी आपको दे सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी मार्जिन 15,000 में आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इक्विटी में कोई बाय करते हैं, तो इक्विटी अगर उसी स्टॉक का जिसका हम लोग ऑप्शन की बात करें उसका, अगर इक्विटी का जो भी है उस क्रिप्ट का प्राइस अगर चल रहा है 700 रुपीज़, तो विदाउट एनी लेवरेज अगर आपको 500 क्वांटिटी बाय करना है तो आपको लगेगा 350000, मतलब कितना हो गया 350,000 के अराउंड मार्जिन पकड़ के ये आपको कम में मिल जाएगा। फ्यूचर लॉट अगर इसका लेते भी है तो कम में मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन ट्रेड उसके लिए है जो जहाँ पे लेवरेज जिसको चाहिए। तो ये लेवरेज ही हमें क्या करता है, सबसे बड़े रिस्क में फंसा देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई आदमी है जिसे ट्रैवल करना है 500 किलोमीटर, जिसको ट्रैवल करना है 500 किलोमीटर, और उसके पास कोई व्हीकल नहीं है, अगर उसके पास कोई व्हीकल नहीं है उसको ट्रैवल करना है 500 किलोमीटर, तो उसको अगर लगेंगे 5 दिन, बराबर है, अगर वो पैदल जाता है तो उसको लगेंगे 5 दिन। लेकिन अगर उसको हम लोग ये कोई कार दे देंगे तो वो कार से वो चला जाएगा सिर्फ 5 घंटे में, राइट। सो इसको मैं लेवरेज के तौर पे लूँगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आपको जाना है और बीच में कहीं पर टर्न है, दो रास्ते हैं, आपको जाना है इस रास्ते पे पॉइंट नंबर 1 पे, लेकिन अगर गलती से आपकी कार चली गई इस रास्ते पे पॉइंट नंबर 2 पे, सो ये जो आपको स्पीड, ये जो कार है ये अपने को क्या दे रहा है, स्पीड, ये स्पीड में हम लोग अगर गलत दिशा में चले गए तो बहुत दूर जाने के बाद अगर पता चल गया तो उतना डिस्टेंस रिटर्न आके फिर वापस हमें इस रूट पे जाना पड़ेगा। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है कि लेवरेज की वजह से क्या होता है कि अगर ट्रेड उल्टा हो गया तो जिस स्पीड से प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे डबल स्पीड से हमें लॉस वहाँ पे मिलता है। क्योंकि आप लोगों को एक कॉमन एक्सपीरियंस रहेगा कि अगर कोई स्टॉक अगर 500 रुपये पे चल रहा है, अगर आपने उसका कोई सी बाय किया है और वो सी आपने बाय किया, फॉर एग्जांपल 540 का सी आपने बाय किया था और 540 का सी आपने प्रीमियम उसके लिए पे किया था सपोज 50 रुपीज़ आपने पे किया था, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये 500 का स्टॉक जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, अगर ये 500 का सपोर्ट चला गया 510 तक, तो ये 50 रुपये का जो सी है वो 53-54 के आसपास चला जाएगा और आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। और वापस जब ये नीचे आ जाता है थोड़े देर बाद, 2-3 घंटे बाद, अगर ये वापस आ गया 500 के ऊपर भी आ गया 500 के पास, तब ये वापस 50 पे नहीं आएगा, क्योंकि ये जाएगा 50 से 54 तक, लेकिन रिटर्न आएगा ये 48 तक। ये सेंटीमेंट का मसला यहाँ पे होता है, सेंटीमेंट की वजह से इरोजन हो जाता है, ये आएगा 48 तक। तो देखिए, अगर इक्विटी में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते थे तो 510 पे जाके वापस 500 पे आके अगर हम लोग बुक भी करेंगे तो हमारा, हम लोग न्यूट्रल ट्रेड में रहेंगे, राइट, हम
मनी टू मनी में हम लोग निकल जाएंगे विदाउट एनी प्रॉफिट विदाउट एनी लॉस। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो हम लोग माइनस 2 पॉइंट वहाँ पे लॉस में रहेंगे। तो अगर ये नीचे गया 500 से, अगर नीचे भी चला गया 490 तक, तो जैसे ऊपर जाते वक्त 4 पॉइंट ऊपर गया था, लेकिन यहाँ से नीचे आएगा तो वो 6 पॉइंट नीचे आएगा, वो 42-43 तक आएगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत ख़राब चीज़ है और सेंटिमेंट ऑप्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो इसीलिए ये जो लेवरेज है ये हमें फंसा देता है, इस तरह के ट्रेड्स में हम लोग ज़रूर फंस जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो है रिस्क टू रिवार्ड रिटर्न्स। सो काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन इसके बारे में मार्केट में है कि यहाँ पे जो है ऑप्शन जो जो ट्रेड करते लोग, वो लोग ये कहते हैं कि लेस रिस्क मोर प्रॉफिट, ऐसा वो लोगों का कहना है मोर प्रॉफिट। लेकिन मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं, मैं कहूँगा ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग जानेंगे इसकी असलियत तो आपको पता चलेगा ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं लेस रिस्क और मोर रिवार्ड, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अगर सेम स्टॉक की अगर हम लोग बात करें कि 40 रुपीज़ में अगर आपने कोई ऑप्शन बाई किया, सो 40 रुपीज़ से बाई किया, 500 अगर उसकी लॉट साइज है, सो आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं 20,000 रुपीज़। ये 40 रुपीज़ का अगर रिटर्न आके आपने 30 पे भी इसको बेच दिया, सो 30 पे अगर बेचेंगे तो ये आपको देगा 15,000 रुपये रिटर्न। सो आपका कितना चला गया, 20 में से 15,000 अगर माइनस कर देंगे तो आपको पता चलेगा आपका चला गया 5,000 रुपीज़। सो 5,000 रुपीज़ को अगर 20,000 जितना आपने इन्वेस्ट किया था इसके अगर अगेंस्ट आप लोग चेक करेंगे तो ये होता है 25%। ये 25% बहुत बड़ा नंबर है। 25% अगर आपका यहाँ पे लॉस होने वाला है, आप लोग इतना वेट नहीं करेंगे, जितना वेट आप लोग लॉस बुकिंग के लिए करते उतना वेट आप लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं करते। ये 40 का 30 तक चला गया तो आप वेट करेंगे, लेकिन 40 का 42 भी चला जाए तो भी आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट अगर हम लोग सिर्फ लेंगे तो सिर्फ 1,000 रुपीज़ होता है, और 20,000 का अगर हम लोग 1% अगर पकड़ेंगे तो ये कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 5% होता है। तो मतलब आपने रिस्क लिया 25% और रिवार्ड आपने लिया सिर्फ 5%। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सेंटीमेंट का मेरा जो एक्सपीरियंस है सबके बारे में वो यही है कि आप प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करते, लेकिन लॉस के लिए आप लोग वेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेंज इन स्क्रिप्ट वर्सेस चेंज इन ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि आपका जो स्टॉक है, अगर मैंने बोला था कि मूवमेंट अगर उसमें होता है, तो अगर आपने लिया था रिलायंस का फॉर एग्जांपल स्टॉक, अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस का स्टॉक अभी चल रहा है 2000 के आसपास अगर आपका चल रहा है। सो 2000 का स्टॉक अगर हम लोग लेंगे तो 2000 का स्टॉक अगर 50 पॉइंट्स अगर मूव होता है, फॉर एग्जांपल 2050 पे मूव होता है, सो ये 50 / 2000 अगर आप करके देखेंगे तो देखिए कितना आता है आपका। मेरे हिसाब से आएगा 2.5% के आसपास ये आएगा सिर्फ 50 पॉइंट अगर 2000 के स्टॉक में आपके मूव होते हैं तो। ये जी 2.5% है सिर्फ, कितना होता है 2.5%। लेकिन अगर इसकी सी की हम लोग अगर बात करें, ये होता है 2.5%, और अगर इसी का सी अगर आप वहाँ पे लेंगे, अगर वो सी अगर आप बाय करेंगे तो सी आप बाय करेंगे सपोज 100 रुपीज़ में, इसका कोई सी अगर आप बाय करेंगे 100 रुपीज़ में, तो वो क्या होता है अगर ये ऊपर गया 50 पॉइंट तो ये यहाँ पे चला जाएगा 105 106 के आसपास, 110 तक भी चला जाएगा। 100 वो डिपेंड करता है आपने एट द मनी लिया इन द मनी लिया है, वो मनीनेस के ऊपर भी मैटर करेगा। सपोज 110 भी चला गया तो ये खुला खुला यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये डायरेक्टली हो जाता है आपका 10%। ये डायरेक्टली कितना हो गया 10%। सो ये 2.5% की मूवमेंट में ये 10% मूव हो गया। अभी ये हो गया अपसाइड की बात हो गई। अगर यही उल्टा लो साइड में चला जाए, नीचे की साइड में अगर ये चला जाए, जैसे कि 50 पॉइंट अगर ये नीचे चला गया, अगर ये 1950 पे चला जाए तो भी 2.5% माइनस है, तो ये भी 100 का आपका 90 रुपीज़ तक चला जाएगा नीचे, तो ये 10% नीचे भी जाता है। सिर्फ ऊपर की बात नहीं है, ये 10% नीचे भी जा सकता है। सो जो स्क्रिप्ट में मूवमेंट है वो मूवमेंट, और इसका जो मूवमेंट है उसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे, आप लोग ऑप्शन चेन ओपन करके इंडेक्स इंडिया की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्रिप्ट और इसके मूवमेंट में जो परसेंटेज ऑफ डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। जी हाँ, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को वो कंसेप्ट पता नहीं होता है बिगिनिंग में, जो बिगिनर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि कंसेप्ट वो पता नहीं होता है, ATM OTM ITM ये सब चीज़ें हैं,
और एडवांस लेवल के भी कुछ पैरामीटर्स है जो मैटर करते हैं आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये आपको पता नहीं होता है OTM, ATM और ITM के कहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है। आप लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ दी लोग क्या करते हैं, सस्ते में चाहिए इसके लिए वो OTM को प्रेफर करते हैं, OTM मतलब आउट ऑफ द मनी, और उसी में फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है वो सेंटिमेंट उल्टी डायरेक्शन में ज़्यादा काम करता है सीधी डायरेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक चल रहा है आपका 2000 के आसपास अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो आप लोग क्या करते हैं 2400 का बाय करेंगे सी। तो 2400 का सी अगर आप लोग बाय करेंगे तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ये अगर 21 से तो 2100 पे भी चला जाएगा तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर ये नीचे 1900 तक आ गया तो ये ज़्यादा घट जाएगा क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना ये उस वो जो स्पीड होता है नीचे आने का ऑप्शन का कॉल का वो ज़्यादा होता है ऊपर जाने की स्पीड से OTM के केस में, वैसे ही पुट का भी होता है। तो यही एक मसला है कि आप लोग ये भी एक सिलेक्शन गलत करते हो, आप कौन सा पर्टिकुलर आपको बाय करना है या सेल करना है, कॉल लेना है या पुट लेना है, वो स्टडी बिना करे आप लोग इसमें एंट्री कर देते हो। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है आपका। और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि आप लोग डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते। डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते मतलब मैंने बोला कि प्रॉफिट बुकिंग में आप लोग वेट नहीं करोगे लेकिन लॉस बुकिंग में आप लोग वेट करोगे। आप उसे होल्डिंग पे डाल देते हो ये समझते हुए, ये खुद को गलत समझाते हुए कि आज ये माइनस में चल रहा है कल ये स्टॉक गैप अप में ओपन होगा तो मेरा कल रिकवर हो जाएगा, कल ऊपर चला जाएगा, लेकिन दूसरे दिन वो स्टॉक और नीचे आ जाता है तो नीचे आ जाता है तो वो और निगेटिव चला जाता है। ऐसे करते करते आप वेट करते रहते हो कुछ लोग रॉन्ग वहाँ पे एवरेजिंग भी करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो ये डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस के केस में जो आप नहीं करते हो। सो इसीलिए मेरा कहना है बिगिनर्स के लिए कि ऑप्शन से दूर रहिए, एटलीस्ट 6 महीना 1 साल अगर आपका इक्विटी में प्रॉफिट रेगुलरली आप गेन करते हो तब जाके आप ऑप्शन में ट्रेड करिए क्योंकि तब आपको एक मैच्योरिटी आ जाएगा, आपको एक नॉलेज आ जाएगा, तब आप इसमें ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज अगर बिगिनिंग में आपका कैपिटल चला गया तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। ओके सो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका जो भी क्यूरी कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू।